का जो हमारा लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, अब आपके सामने ये एक ओपन हो गया होगा एक पेज, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखिए, इसमें गिवन क्या आपके पास, u इक्वल टू एफ ऑफ वाई ओवर एक्स के इक्वल है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। u इक्वल है एफ ऑफ वाई ओवर एक्स के इक्वल, और आपने इसमें से प्रूव ये करना है कि x इंटू पार्शियल u ओवर पार्शियल x, y इंटू पार्शियल u ओवर पार्शियल y, ये किसके इक्वल आएगा, ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। ये आप लोगों ने जो है इसमें प्रूव करना है, ये जो रिलेशन आपके सामने लिखा हुआ है, फंक्शन आपको गिवन है, u आपके सामने है एफ ऑफ वाई ओवर एक्स की फॉर्म में, ठीक है, और ये रिलेशन आप प्रूव करेंगे। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशंस इसमें इसमें अच्छा है, ये सवाल नहीं है कि आपने इसमें आयलर थ्योरम अप्लाई करना है और आयलर थ्योरम की मदद से इस सवाल को हल करें, वो भी मेथड किया जा सकता है, ठीक है, कि इसको पहले देखा जाए कि ये होमोजेनियस फंक्शन है, फिर उसके बाद आयलर एन की वैल्यूज निकाली जाए, डिग्री यानी कितनी है, और फिर उसके बाद आयलर थ्योरम प्रूव किया जाए, तो ये आपके सामने रिलेशन लिखा हुआ ये वेरीफाई हो जाएगा। ये उसका एक मेथड है। इसके अलावा भी दूसरा मेथड है कि आप आयलर थ्योरम को यूज ना करें और उसके बगैर ही आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे जो मेथड किया गया है वो मेथड ये किया गया है कि आयलर थ्योरम को अप्लाई नहीं किया गया और उसके बगैर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो देखें, आपके पास सबसे पहले ओरिजिनल फंक्शन है, मैं कुछ लोगों को ज्वाइन कर लूं इस मीटिंग में। अच्छा देखिए जी, अब आपके पास ये फंक्शन था u इक्वल टू एफ ऑफ वाई ओवर एक्स, और आपने ये एक रिलेशन इसमें प्रूव करना है। सबसे पहले देखिए, गिवन फंक्शन है u इक्वल टू एफ ऑफ वाई ओवर एक्स, आपके पास ये फंक्शन गिवन है, ठीक है। हमें कैलकुलेशन में क्या क्या चाहिए होगा, देखिए जो आपने प्रूव करना है उसमें हमें दो चीजें रिक्वायर्ड थी, एक पार्शियल u और पार्शियल x रिक्वायर्ड है, दूसरा पार्शियल u और पार्शियल ऑफ y रिक्वायर्ड है। ये दो चीजें हम कैलकुलेट करके इसकी लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है नजर आ रहा है आपको कि इक्वल टू जीरो है ये। तो यू आपके पास सामने गिवन है, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स हम कैलकुलेट करते हैं। ये कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहले आपने यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है और पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो पहले डेरिवेटिव किसका आएगा, एफ का डेरिवेटिव आएगा, और एफ का डेरिवेटिव आपको पता है कि ये एफ प्राइम होता है, ठीक है। और अभी जो इसका जिसका ये फंक्शन बन रहा है वाई ओवर एक्स, यानी जो इसका एंगल है इसको हम एज इट इज रख रहे हैं, वाई ओवर एक्स को उसको चेंज नहीं कर रहे। पहले मरहले में f का डेरिवेटिव f प्राइम y ओवर x आ गया, और फिर हम डेरिवेटिव किसका लेंगे, y ओवर x का डेरिवेटिव लेंगे, जो उसका मेन फंक्शन है। अब y ओवर x का जो डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो जब विद रिस्पेक्ट टू x इसको सॉल्व करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव्स में आपकी बात क्लियर होगी कि y को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। तो इसका मतलब है y यहाँ पे कॉन्स्टेंट है और वन ओवर x इसमें वेरिएबल है, जो कॉन्स्टेंट है उसको आप बाहर निकाल लें, y बाहर आ गया, ठीक है, और वन ओवर एक्स का जो है वो आपने डेरिवेटिव लेना है। वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव होता है रिस्पेक्ट एक्स माइनस वन ओवर एक्स का स्केयर, तो इसका मतलब हो गया वाई ओवर एक्स का डेरिवेटिव बन गया माइनस वाई ओवर एक्स का स्केयर। ये इसका कौन सा डेरिवेटिव बन गया, पार्शियल डेरिवेटिव इसका बन गया, ये आपको बात जो है वो क्लियर होगी, ठीक है। वाई ओवर एक्स का डेरिवेटिव पार्शियल ये बन गया माइनस वाई ओवर एक्स का स्केयर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने देखे क्या किया, एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज हमें प्रूफ में देखिए क्या चाहिए था, x इंटू पार्शियल u ओवर पार्शियल ऑफ x चाहिए था, इसलिए मैंने क्या किया, x के साथ इसको बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, जब मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास राइट साइड से जो ना ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। इसका मतलब पहला पार्ट हमने जो प्रूव करना था इसका ये कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें जस्ट क्या चाहिए, y इंटू पार्शियल u ओवर पार्शियल ऑफ y चाहिए, तो ये अगले स्टेप में हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ओके जी, अब देखें ये u का, फिर हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, हमारे पास u क्या था, f ऑफ y ओवर x के इक्वल था, ठीक है, f ऑफ y ओवर x, उसका हम पार्शियल डेरिवेटिव जब लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो सबसे पहले किसका आएगा, f का डेरिवेटिव आएगा विच इज f प्राइम ऑफ y ओवर x, ठीक है, ये एज इट इज आ गया। अब इसके बाद इसके मेन जो इसका एंगल है y ओवर x, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है,
और y अवर x का डेरिवेटिव अब आप विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू y जब आप करेंगे तो x इसमें क्या होगा, वेरिएबल होगा। जब x वेरिएबल है तो इसका मतलब 1 अवर x को हमने बाहर निकाल लिया और डेरिवेटिव किसका आएगा, जस्ट y का आएगा। ये जो आपके पास टर्म लिखी है y, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा और y का विद रिस्पेक्ट टू अगर आप y पार्शियल डेरिवेटिव ले तो वो क्या आ जाएगा आंसर, उसका 1 आ जाएगा। दिस मींस हमने ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाल दिया। ये चूंकि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में, तो इसलिए इसकी इतनी ज्यादा कोई डिटेल बताने की जरूरत नहीं है कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब हमें साथ उसके क्या चाहिए था, वाई चाहिए था, हमने बोथ साइड इसको वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर देखे जो रिलेशन हमें प्रूव करना था वो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, यानी हमने कंसीडर कर लिया है x इनटू पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस y इनटू पार्शियल u ओवर पार्शियल y, ये लेफ्ट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करना था। ठीक है, इसमें हमने जस्ट ये वैल्यूज रिप्लेस कर देनी है, x इनटू पार्शियल u ओवर पार्शियल x की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की थी वो यहाँ पे रिप्लेस कर दी है, फिर y इनटू पार्शियल u ओवर पार्शियल y की जो वैल्यू अभी हमने ये आपके सामने लिखी हुई है ये कैलकुलेट की थी ये यहाँ पे रिप्लेस कर दी। जब इसमें रिप्लेस करेंगे तो आप देखें दोनों वैल्यूज जो है वो सेम आ रही है विद अपोजिट साइन, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी और कैंसिल होने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखिए आप लोगों ने यही जो है वो रिलेशन इसमें प्रूव करना था। ठीक है, ये आपके पास जो एक फाइनल रिलेशन था ये आपने प्रूव करना था, तो वो आपने रिलेशन प्रूव कर लिया। तो बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है, जस्ट आपको यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव अगर आपको आते हैं तो फिर इसमें किसी किस्म की कोई जो है प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ u इक्वल टू एक्स वाई इंटू एफ ऑफ एक्स ओवर वाई, ये आपके पास एक फंक्शन है, आपने इसमें से प्रूव करना है एक्स इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस वाई इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, ये किसके इक्वल आएगा, टू यू के इक्वल आ जाएगा। तो ये आप इसमें रिलेशन प्रूव करना चाहते हैं। अगेन फिर वही बात दूंगा कि इसको आप इस प्रूफ को आप जो है वो आइलर्स थ्योरम की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसको चेक करें कि ये होमोजेनियस फंक्शन है, जब ये होमोजेनियस फंक्शन बन जाएगा फिर आप आइलर्स थ्योरम इसमें अप्लाई करें तो ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ये सारे का सारा रिलेशन प्रूव हो जाएगा। ये इसका दूसरा मेथड है, लेकिन हम वो मेथड यहाँ पे नहीं कर रहे तो ये आप में से अगर करना चाहे तो उसके अलावा ट्राई करके मुझे लाजमी भेज दीजिएगा। ठीक है, फिर मैं उसको चेक कर लूंगा। दूसरा मेथड क्या है कि आप जस्ट क्या करें, रिक्वायर्ड आपको क्या है, यहाँ पे पार्शियल यू और पार्शियल एक्स रिक्वायर्ड है, फिर पार्शियल यू और पार्शियल वाई रिक्वायर्ड, ये दो वैल्यूज आपको रिक्वायर्ड है। जस्ट आप लोग ये दोनों वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लें, कैसे निकालेंगे, देखें यू आपके पास ही ओरिजिनल फंक्शन गिवन था, यू इक्वल टू एक्स वाई इंटू एफ ऑफ एक्स अवर वाई के इक्वल, ये गिवन है। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, पार्शियल यू अवर पार्शियल ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। तो देखिये जब हम इसको पार्शियल यू और पार्शियल एक्स हम कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन में तो y यहाँ पे क्या होगा, एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, ये जो y है ये एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो कॉन्स्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, y बाहर आ गया और फिर डेरिवेटिव किसका बचेगा, सिर्फ x और f ऑफ x ओवर y, ये दो टर्म्स बचेंगी बिकॉज y इसमें कॉन्स्टेंट है, इसलिए हमने x वाली जो टर्म्स थी इसको अलहदा कर लिया। ठीक है, अब इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और दूसरा f ऑफ x ओवर y, ये दो वेरिएबल्स हैं और पार्शियल डेरिवेटिव आप ले रहे हैं। अब चूंकि दोनों में x अपीयर हो रहा है तो इसलिए अब इस पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। प्रोडक्ट रूल आप सबको पता होगा कि अगर u और v का डेरिवेटिव लिया जाए तो क्या होता है, पहले u फिर डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एंड डेरिवेटिव ऑफ u, ये इसका जो ना पूरा इसका मेथड होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, एक्स एज इट इज आ गया। ठीक है, इसको हमने एज इट इज लिखा, फिर एफ ऑफ एक्स अवर वाई का डेरिवेटिव लेना है। एफ ऑफ एक्स अवर वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले एफ का आएगा, f का आ गया f prime of x over y, इस f of x y का पहले डेरिवेटिव ये आ गया। अब इसके बाद इसके एंगल का डेरिवेटिव आएगा, यानी कि x over y का। अब आप यहाँ पे याद रखेंगे डेरिवेटिव आप ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x जब आप ले रहे हैं तो 1 over y इसमें क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, 1 over y को आप क्या करेंगे, इससे बाहर निकाल देंगे, प्रोसेस से बाहर निकालेंगे ना इस 1 over y को, वो ये देखिए आगे लिखा हुआ है 1 over y बाहर आ गया, डेरिवेटिव किसका लेना है, एक्स का। जब आप एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा उसका। तो इसका मतलब है एक्स ओवर वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, वन ओवर वाई आ गया। अच्छा, फिर प्लस अब आगे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स ओवर वाई, ये एज इट इज लिख दिया हमने, प्रोडक्ट रूल चुके अप्लाई कर रहे हैं, अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है। तो एक्स का डेरिवेटिव हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, वन आ जाएगा।
ठीक है, तो ये आपका पार्शियल यू ओवर पार्शियल ऑफ एक्स कैलकुलेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें और क्या रिक्वायर्ड है इसमें, इसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक्स भी रिक्वायर्ड है, एक्स को भी मल्टीप्लाई करना है, तो बोथ साइड्स आप क्या करें एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। ये आगे आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे पार्शियल, इससे एक प्रीवियस स्टेप हम ये किया है कि वाई को अंदर मल्टीप्लाई किया है, वाई और वाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे वाई आ गया, और यहाँ पे देखे तो हमने इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे देखे हमें ये रिक्वायर्ड था इस जगह पे, ठीक है, एक्स इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स हमें चाहिए, हमने इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जब एक्स से करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, और एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर वाई प्लस एक्स वाई इंटू एफ ऑफ एक्स ओवर वाई, तो ये आपके पास मेरे इक्वेशन नंबर क्या आ गई, वन आ गई। ओके, अब आपने पहले तो सिंगल डेरिवेटिव लेना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब हमने क्या लेना है इसका, इसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेना है। ये आपके सामने जो लिखा हुआ है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए कि किस फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। ये देखेंगे इसका हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव देखें यहाँ पे हम लेने लगे, और इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है अगेन फिर उसी तरीके से देखें, अब विद रिस्पेक्ट टू वाई जब हम लेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे ऊपर वाले फंक्शन यू में देखें एक्स कॉन्स्टेंट होगा ना, ये वाला विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हुए एक्स कॉन्स्टेंट आ जाएगा, जब एक्स कॉन्स्टेंट आएगा ठीक है, तो एक्स को हमने बाहर निकाल लिया प्रोसेस से, एक्स बाहर आ गया, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, y into f of x over y का पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, तो ये मैंने यहाँ पे इधर लिख दिया, इधर पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ y into f of x over y की इक्वल आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है y का और f of x over y का, तो इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा अगेन, अब y as it is आ गया, ठीक है, और फिर डेरिवेटिव किसके लेना है, आपने f का डेरिवेटिव लेना है, f का डेरिवेटिव क्या होता है, f prime of x over y इसका डेरिवेटिव है, f का डेरिवेटिव है f prime x over y, और फिर इसके एंगल का होगा अब x over y का, ठीक है, अब इसका होगा x over y का डेरिवेटिव आएगा, अब x over y का डेरिवेटिव जो है क्या आना है, अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो x क्या होगा एज अ कॉन्स्टेंट ही होगा, x को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, x बाहर आ गया, अब डेरिवेटिव किसका होगा, वन अवर वाई का डेरिवेटिव, और वन अवर वाई का डेरिवेटिव आप सारे जानते हैं क्या होगा, माइनस वन अवर वाई का स्केयर, देखिए ये वही चीज लिखी हुई है, एक्स को हमने कांस्टेंट रख के इसको बाहर निकाल दिया, वन अवर वाई का डेरिवेटिव आ गया माइनस वन अवर वाई स्केयर, तो ये माइनस एक्स अवर वाई स्केयर इसका डेरिवेटिव बन गया। अच्छा, प्लस फिर आप आगे देखें तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक अब ये एफ ऑफ एक्स अवर वाई हमने लिख दिया, सेकेंड फंक्शन हमने एज इट इज लिख दिया, और f of x over y as it is लिख दिया, ठीक है, और इसके बाद जो है वो y का डेरिवेटिव हमने लिया, y का डेरिवेटिव क्या बनता है, वन आ गया, ठीक है, y का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया वन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखें तो क्या आ गया, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वो इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन होने के बाद ये वैल्यू आ गई, ऊपर देखिए अगर प्रूफ में तो उसमें हमें क्या चाहिए था, साथ इसके y भी चाहिए था, तो हमने बोथ साइड इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया, और लास्ट में आपने क्या करना था, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी थी, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ था, x into partial u over partial x plus y into partial u over partial of y, ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, जिसको मैं ये हाईलाइट आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, हमने इसे वैल्यूज पुट करनी है, x into partial u over partial x हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, y into partial u over partial y ये वाला निकाला है, यहाँ पे ये डायरेक्ट एक स्टेप हुआ है, आप लोग अपनी कॉपीज के ऊपर ये स्टेप कर लीजिएगा, इन दोनों की वैल्यूज इसकी और इसकी वैल्यूज जब आप इसमें रिप्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगा, के आंसर आ जाएगा जो सामने लिखा हुआ है, थ्री एक्स वाई इंटू एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई, यानी माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वाली वैल्यूज ये जो थी, ठीक है, इसमें ये वैल्यू कैंसिल होगी किसके साथ, ये जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे माइनस एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स और वाई के साथ कैंसिल होगी, और यहाँ पे x over y और ऊपर क्या था 2xy, तो ये ऐड होके आपके पास xy ऐड होके ये 2 times of xy into f of xy बन जाएगा, ठीक है, अब ये 2 को as it is रहने दें, और ये xy into f of xy अगर आप देखें ओरिजिनल क्वेश्चन में तो ये किसके इक्वल था, ये u के इक्वल था, ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, इसका थर्ड क्वेश्चन भी इसका सॉल्व कर लिया, तो देखिए बिल्कुल आसान सवाल है, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम, सिर्फ आपको एक चीज आना जो है इसमें वो जरूरी है, और वो है पार्शियल डेरिवेटिव्स, अगर आपको वो आते हैं तो ये सवाल आपके लिए कोई किसी किस्म का मसला क्रिएट नहीं करेंगे। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट जो है वो
चौथा सवाल है इसमें, जेड किसकी इक्वल है, टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स की इक्वल है, और आपने प्रूव क्या करना है, पार्शियल स्केयर जेड ओवर पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर जेड ओवर पार्शियल वाई स्केयर इक्वल टू जीरो, ये आपने एक रिलेशन जो है वो इसमें प्रूव करना है। आप सबको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये हम इसमें प्रूव करना चाह रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ठीक है, ये रिलेशन हम प्रूव करना चाह रहे हैं आपके सामने है। z की वैल्यू गिवन है, अब पार्शियल स्केयर यहाँ पे लिखा हुआ है z और पार्शियल x स्केयर, इसका मतलब क्या है, ये भी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने दो दफा डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और फिर दो दफा डिफरेंशिएट करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, दो दफा विद रिस्पेक्ट टू x करना है और दो दफा आपने विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देखिए z किसके इक्वल है, ओरिजिनल जो फंक्शन था z इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ y ओवर x के इक्वल है। अब आप लोगों ने करना क्या है, डिफरेंशिएट कर देना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, किसको डिफरेंशिएट कर देना है, ये जो z फंक्शन है z को पार्शियली डिफरेंशिएट आपने कर दिया पार्शियल z ओवर पार्शियल ऑफ x। अब देखिए टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर होता है ना, अब x की वैल्यू आपके पास कितनी है y ओवर x, तो इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है, 1 ओवर 1 प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। अब आपने इसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है y over x का डेरिवेटिव, तो y over x का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप x करें, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जब आप x करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, ठीक है, y को आप बाहर निकाल लें, ठीक हो गया। अब 1 over x बचता है तो 1 over x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 over x का स्केयर, तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ है माइनस y over x स्केयर, यानी इसके एंगल का डेरिवेटिव भी हमने आगे लिख दिया। अच्छा मजीद आप देखें तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हुई है, x स्केयर इसका एलसीएम आ गया, ऊपर चला गया x स्केयर, और ये x स्क्वायर और x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, और ये वाली जो वैल्यू थी आपके पास क्या निकला है, सिंगल डेरिवेटिव इसका कैलकुलेट हो गया, यानी पार्शियल z ओवर पार्शियल ऑफ x हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा अब हमने, हमें चाहिए क्या था, ऊपर क्वेश्चन में ये था कि आपने डबल डेरिवेटिव निकाला है, सिंगल नहीं चाहिए था हमें, हमने पार्शियल z ओवर पार्शियल x निकाला, अब हम करेंगे इसको दोबारा से डिफरेंशिएट, इसको विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखें जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सिंगल था तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव बन जाएगा पार्शियल स्केयर z ओवर पार्शियल x स्केयर। अब यहाँ पे आप देखिएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x आप कर रहे हैं तो y क्या होगा एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और अब आप इसका जो डेरिवेटिव लेंगे बाकी क्या बचता है 1 ओवर x स्केयर प्लस y स्केयर, इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, y कांस्टेंट था, ठीक है, इसको हमने बाहर निकाला है, और बाकी जो बचता है इसका विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो डेरिवेटिव लेने लगे। अच्छा आप देखें 1 ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर, यकीनन सबको क्लियर होगा कि ये कैसे आ गया, ठीक है, कि आप पहले इस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को ऊपर ले जाएं, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर माइनस 1, ठीक है, और फिर जब इसकी पावर माइनस 1 बन जाएगी तो अब आप इसे पावर रूल यूज करें तो माइनस 1 पहले आ जाएगा और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर बन जाएगी माइनस 2, और फिर इसके एंगल का जब आप डेरिवेटिव लेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का तो x स्क्वायर का आ जाएगा 2x और y स्क्वायर का क्या आ जाएगा 0 बनेगा, तो इस सारे का आप इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर माइनस 1 के बाद जब आप करेंगे तो ये वाला डेरिवेटिव इसका सारा आ जाएगा, ये आप अपनी कॉपीज भी कर लीजिएगा बाद में, ठीक है, तो ये आपके पास अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया, ये सेकंड डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम कैलकुलेट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव, हम निकालते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे, तो सबसे पहले हम पार्शियल z ओवर पार्शियल y कैलकुलेट कर रहे हैं, फंक्शन हमारे पास क्या था tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, सबसे पहले tan इनवर्स का आएगा ना 1 ओवर 1 प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, अब आपने लेना है y ओवर x का, तो y ओवर x का जब आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, y ओवर x का जब डेरिवेटिव लेंगे आप तो क्या होगा y का 1 आ गया, ठीक है, 1 ओवर x क्या था कांस्टेंट था बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू आप कर रहे हैं y, तो 1 ओवर x को हमने बाहर निकाल दिया, y का डेरिवेटिव क्या आ गया 1 आ गया, तो ये देखिए हमने नीचे एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन कर लें x स्क्वायर इसका एलसीएम आएगा और x स्क्वायर को फिर ऊपर आप शिफ्ट कर दें तो ये कैंसिलेशन में रहोगे, आपके पास ये सिंगल डेरिवेटिव निकल आएगा विद रिस्पेक्ट टू y, ओके। अब आप नेक्स्ट देखिए यहाँ से, तो पार्शियल स्केयर z ओवर पार्शियल y स्केयर हम निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, जब आप विद रिस्पेक्ट टू y इसको डिफरेंशिएट करेंगे अब आप नजर आ रहा है x कांस्टेंट है, x को हमने बाहर निकाल दिया और पार्शियल पे पार्शियल y किसका आ जाएगा, सिर्फ इस फंक्शन का, ये जो लिखा हुआ है 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का,
इसका पार्शियल डेरिवेटिव जब आप निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, जैसे भी आपको ऊपर बताया था, इसको ऊपर ले जाए इसकी पावर माइनस वन बनेगी और फिर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद जो है वो आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो वाई के लिहाज से आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो बनेगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, टू वाई इन इसके मेन एंगल का, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपके पास जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव निकल आएगा सेकंड ऑर्डर। अब हमने दोनों डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लिए, पार्शियल स्क्वायर एक्स ओवर पार्शियल स्क्वायर जेड ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर एंड पार्शियल स्क्वायर जेड ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर, ये दोनों कैलकुलेट किए आपके सामने, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। आप लोगों ने ये निकाला हुआ इक्वेशन वन में, ठीक है, इक्वेशन वन में टू एक्स वाई ओवर ये टर्म है, ठीक है, और इक्वेशन नंबर अगर आप टू देखें तो ये माइनस टू एक्स वाई ओवर डिवाइडेड बाई ये टर्म है। अब इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी इसकी, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल होने के बाद ये सारा कुछ खत्म हो गया और आपके पास इसका जो है वो रिक्वायर्ड टू आ जाएगा।